मेरा नाम है इंद्रजीत है, मैं पिंड आलोवाल की रहने वाली हूँ। तो मेरी बेटी विशाखा है, मैं इसकी जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ कि किस तरह परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया, इस कैंसर की भयानक बीमारी तो आजाद किया। अज तो 2 साल पहला की गल है, 2019 की गल है कि ये बेटी मेरी स्कूल जाती सी, तीजी क्लास में पढ़ती सी, तो स्कूल जाती जाती इसने स्कूल जाके भी सो जाना, तो इसके पेट में दर्द रहन लग पी, फिर इन थोड़ा थोड़ा फीवर रहन लग पिया। तो बेटी मेरी ने जो स्कूल जाना तो इसने स्कूल जाके सो जाना, तो स्कूल जाके सो जाना, तो जो ये मेरी बेटी ने घर आना तो मम्मा कहना मेरे पेट में दर्द होंगी है, तो इसकी कंडीशन हौली हौली खराब होंगी गई। तो जो असी सरकारी हॉस्पिटल में इसके टैसट करवाए तो इसके टैसट दसिया कि 10 ग्राम ब्लड है, तो इसके टैसट दसिया भी छोटी मोटी इनफेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं दसी। जो इसके फिर 3-4 दिन इसे अद्धे प्रॉब्लम पेट से दर्द होंगी रही, तो इसके असी दोबारा प्राइवेट टैसट करवाए। 4 दिन बाद जो टैसट करवाए तो इसका ब्लड 4 ग्राम रह गया सी, तो इस जो डॉक्टर ने दसिया कि इसका ब्लड 4 ग्राम है, तो इसके सैल भी बहुत ज़्यादा घट गए हैं। जो इस सैल बहुत ज़्यादा घट गए से डॉक्टर ने दसिया कि 3 दिन की मेडिसिन लो तो तुम बाद दस्यो। जो असी 3 दिन की मेडिसिन इसको खिलाई तो बाद जो असी डॉक्टर को गए तो डॉक्टर ने दसिया 3 दिन की मेडिसिन तो बाद भी इसके सैल होर ज़्यादा घट गए थे, तो इसका ब्लड सिर्फ 4 ग्राम रह गया सगा। तो डॉक्टर ने इतों जवाब देता कहते इस PGI रैफर कर दिता, जिसनों जो असी PGI लेके गए तो उन्हें भी उस दिन इस ट्रीटमेंट सारे टैसट किए। ब्लड चढ़ाया, ब्लड चढ़ाने तो बाद उन्होंने दसिया कि इसका एक टैसट होना है। उन्हें सानू उस टैसट बारे भी दसिया जो कि एक पिछु रीढ़ की हड्डी का सैंपल लेना सगा, वो इसका सैंपल लिया तो उन्हें दसा कि इसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद आनी है। जो इसका वो सैंपल उन्हें ले लिया तो उसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद आई। जो इसकी वो रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने सानू इधर बिठा के दसिया कि इस रिपोर्ट में इसनों ब्लड कैंसर आया है। ये सुन के असी बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा डर गई सी। डॉक्टर ने सानू दसिया कि इस दौरान बच्चे नूं कुछ भी हो सकता है, तो इसका खर्चा 2 तो 3 साल का इसका ट्रीटमेंट है, तो इसका खर्चा भी 2-3 लख का है। तो जो ये दसिया कि असी पूरी तरह असी फाइनैशली भी ठीक नहीं सी कि इसका यह खर्च कर सकी, तो इसका ट्रीटमेंट करवा सकी। तो ये सुन के असी बहुत ज़्यादा घबरा गए, मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा घबरा गई सी। तो मेरा विश्वास परमेश्वर ते सी, मैं ते परमेश्वर विच बनी हुई सी, ते मैं घबराई नहीं। मेरे मन च क्या मैं क्या कि परमेश्वर सानू बचाने वाला परमेश्वर है, ते मेरी बेटी दा ते फिर सानू डिवाइन हैल्पर परमेश्वर ने खड़े किए, ते उन्हें इसकी हैल्प लई पैसों की अरेंजमेंट किया, ते असी इसका इलाज शुरू करवा दिता। ते इसका 2 साल का ट्रीटमेंट चलिया, डॉक्टर ने दसिया कि 1 साल थानू इतने PGI रहना पैना है। इसका ट्रीटमेंट इन्ना ज़्यादा सख्त है कि इसनों ट्रीटमेंट दौरान 1 महीने का 2 महीने का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ट्रीटमेंट इन्ना ज़्यादा सख्त है कि बच्चे नूं कुछ भी हो सकता है। क्योंकि खुद असी अखी देखे सी कि कई बच्चे 1 महीने का 2 महीने का ट्रीटमेंट बर्दाश्त करते सी कि उन्हां दी डेथ हो जाती सी, पर मेरी बेटी ने जदों इसका ट्रीटमेंट चलिया, इस दे ट्रीटमेंट च इसनों इन्ने तेज इंजैक्शन लगते सके कि इस दे पूरे सिर के बाल भी झड़ चुके सके, ते बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी सी। पर मेरा विश्वास परमेश्वर ते सी, ते मेरी बेटी भी मैनू हरदम यही कहती सी, इन्ने दुख विच होने के बावजूद भी कहती सी मम्मा तुसी डरना नहीं घबराना नहीं, परमेश्वर साडे नाल है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हमेशा थोड़े अंग संग है, परमेश्वर मेरा गढ़, मेरी चट्टान मेरा जगढ़ है। क्योंकि परमेश्वर सानू छड़ाने वाला परमेश्वर है, इसलिए मेरा विश्वास परमेश्वर ते बनिया रहा। तो मैं बेटी दे इलाज करवाया, उत्थे इसका पूरा ट्रीटमेंट 1 साल पूरा इसके इंजैक्शन पट्टा विच भी लगते सके, तो 1 हफ्ते बाद इसकी रीढ़ की हड्डी चो ब्लड
ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਸਨੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਇਸਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਮਸੀਹ।